ये बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां के चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में तेजी आ गई है। प्रदेश में पंजीकरण का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच चुका है। कल चार धाम यात्रा के लिए हुए 44,000 पंजीकरण। ये खबर उत्तराखंड के देहरादून से आ रही है, जहां चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण में तेजी आई है। प्रदेश में पंजीकरण का आंकड़ा अब 14 लाख के पार पहुंच चुका है। कल चार धाम यात्रा के लिए 70,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यमुनोत्री की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा पंजीकरण किए गए हैं कल। अगर गंगोत्री की बात करें तो 2.5 लाख के पार पंजीकरण किए गए हैं। केदारनाथ में 4.5 लाख से ज्यादा पंजीकरण किए गए हैं। वहीं बद्रीनाथ के लिए 4 लाख पंजीकरण दर्ज किए गए हैं। हेमकुंड साहिब के लिए भी पंजीकरण हो चुके हैं, जो 20,000 से ऊपर है। चार धाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। बता दें, ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया ने भी तेजी पकड़ ली है। टैक्सी, जीप, बस, मिनी बस के लिए ग्रीन कार्ड बनाए जाएंगे। 300 से ज्यादा ग्रीन कार्ड बन चुके हैं और 700 से ज्यादा आवेदन अभी भी हैं। हम आपको बता दें, देहरादून में चार धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। इन चारों धाम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें अब तेजी आ गई है। अगर बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो जो आंकड़ा है वो 14 लाख के पार हो चुका है।